कुम्हारी के ग्राम कुगदा मोड़ के पास अवैध रूप से शराब बिक्री कर रहे आरोपी को कुम्हारी पुलिस ने गिरफ्तार किया। कुम्हारी पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पेट्रोलिंग के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति कुगदा मोड़ कुम्हारी के पास अवैध रूप से शराब बिक्री कर रहा है। सूचना पर तत्काल पेट्रोलिंग पुलिस मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर आरोपी दिलीप बारले को पकड़ा, साथ ही प्लास्टिक की बोरी में रखे 32 पौवा देशी शराब को भी जब्त किया। कुम्हारी थाना प्रभारी पीडी चंद्रा ने बताया कि आरोपी पर धारा 34/2 आबकारी एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर कार्रवाई करते हुए उसे जुडिशियल रिमांड में जेल भेज दिया गया है। हमारे कुम्हारी क्षेत्र के ग्राम कुगदा में अवैध रूप से शराब बेचने की कई दिनों से सूचना मिल रही थी, जो हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार घेराबंदी कर एक आदमी को अवैध रूप से शराब बेचते हुए कुगदा चौक पर पकड़ा गया, जिसका नाम दिलीप बारले पिता अंकुराम 42 वर्ष ग्राम कुगदा का रहने वाला है, जो अवैध रूप से 32 पौवा मसाला दारू रख करके बिक्री कर रहा था, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया और उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल किया गया। फिलहाल कार्रवाई में थाना प्रभारी पीडी चंद्रा सहित पेट्रोलिंग की टीम और थाने के स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कुम्हारी से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।